सो ही गाइज एंड वेलकम बैक टू अर न्यू अनदर वीडियो। एंड गाइज आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि गाइज अगर आप सपा ऐप के अंदर अगर आप लॉगिन करना चाहते हो तो ये आप कैसे कर सकते हो। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। इसके बारे में गाइज मैं आपको आगे कुछ भी बताऊँ, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सपा ऐप के अंदर लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये ऐप जो आपके मोबाइल के स्क्रीन पर आपको देखने को मिल जाए तो आपको इस ऐप के ऊपर क्लिक कर लेना है और इस ऐप के अंदर कुछ इस तरीके से आ जाना है। जब आप इस ऐप के अंदर कुछ इस तरीके से आ जाओगे और आपके मोबाइल के स्क्रीन पर ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर जो है गाइस आपको लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको लॉगिन के ऑप्शन के ऊपर जो है क्लिक कर लेना है। इस लॉगिन के ऑप्शन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर जो है गाइस आपको ऊपर के साइड में दो बॉक्स देखने को मिलेंगे। तो गाइस आपको अब करना क्या है, ऊपर के साइड में जो पहला बॉक्स है इस पहले वाले बॉक्स के अंदर आपको या तो अपना ईमेल फिल कर लेना है या तो आपका जो भी यूज़र नेम रहा होगा वो यूज़र नेम आप फिल कर लेना या फिर आप मोबाइल नंबर आपको फिल कर लेना है इस पहले वाले बॉक्स के अंदर। तो गाइस मैं अपना ईमेल और यूज़र नेम भूल चुका हूँ इसलिए मैं इस पहले वाले बॉक्स के अंदर अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेता हूँ। आप यूज़र नेम, ईमेल या फिर मोबाइल नंबर तीन चीज़ों में से कोई एक चीज़ फिल कर लेना। तो हम अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर लेते हैं। गाइस मैंने पहले वाले बॉक्स के अंदर अपना मोबाइल नंबर फिल कर लिया है और दूसरे वाले बॉक्स के अंदर मैं अपना पासवर्ड फिल कर लेता हूँ। जी हाँ गाइस सपा ऐप का जब अकाउंट आप बना रहे होगे तो उस टाइम कोई ना कोई आपने पासवर्ड जरूर फिल करा रहा होगा तो आपको वही पासवर्ड इस दूसरे वाले बॉक्स के अंदर फिल कर लेना है। तो मैं दूसरे वाले बॉक्स के अंदर अपना पासवर्ड फिल कर लेता हूँ। गाइस कुछ इस तरीके से मोबाइल नंबर और पासवर्ड मैंने फिल कर लिया है और उसके बाद हम लॉगिन वाले ऑप्शन के ऊपर जो है क्लिक कर लेते हैं जो कि हमें नीचे के साइड में दिख रहा होगा। तो गाइस हम जो है लॉगिन वाले ऑप्शन के ऊपर जो है क्लिक कर लेते हैं। गाइस जैसे ही हम लॉगिन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे जो हमारा सपा ऐप के अंदर जो अकाउंट है वो गाइस पुराना वाला अकाउंट हमारा रिकवर हो जाएगा और गाइस कुछ इस तरीके से जो है हम सपा ऐप के अंदर लॉगिन कुछ इस तरीके से कर पाएंगे। आई होप कि गाइस आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। गाइस अगर आप इस चैनल पर नए हो और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली हर एक वीडियोज़ आपको इसी तरीके से हर रोज़ देखने को मिलता रहे।